नमस्कार, MSW न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आपने नीट का एग्जाम दिया है तो यह वीडियो आपके बहुत काम की है। इस वीडियो में हम आपको नीट की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के हर एक स्टेप के बारे में डिटेल से बताने वाले हैं। साथ में जो इससे जुड़ी काउंसलिंग से जुड़ी जो सबसे इम्पोर्टेंट डेट्स है वो आपको हम बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। नीट के रजिस्ट्रेशन की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है और यह जो काउंसलिंग है यह MCI द्वारा कंडक्ट की जा रही है। जो इंडिया का 15% कोटा है उस पर दो राउंड में काउंसलिंग होगी और यह MCC द्वारा और MCI द्वारा करवाई जाएगी। सबसे पहले आपको MCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। वहां पर आपको अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिक्योरिटी पिन और सिक्योरिटी पिन के बाद जो कैप्चा है वो भर के आपको एंटर करना होगा। उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन आपको नया करना होगा और उसके बाद आपको पासवर्ड और एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी, जिसको लॉगिन करके आप आगे के फर्दर स्टेप कर सकते हैं। इसको लॉगिन किए बिना आप एक न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। स्टेप टू, लॉग टू द MCC वेबसाइट एंड क्लिक ऑन कैंडिडेट लॉगिन। आपको फिर लॉगिन करना है और कैंडिडेट लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। एंटर योर रोल नंबर एंड पासवर्ड। उसके बाद जो अपना रोल नंबर है और पासवर्ड है वो भर के आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज दिखाई देगा। जब तक आप अपना रोल नंबर और पासवर्ड नहीं भरोगे तब तक आपको नेक्स्ट पेज पे जाने का अवसर नहीं मिलेगा। फोर्थ स्टेप में आपको जो है अपना नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और मदर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और सब कुछ दोबारा भरना होगा और उसके बाद सबमिट करना होगा, क्योंकि भाई पहले स्टेप से आपको एक दूसरे स्टेप पेज पे भेज देगा। आफ्टर दिस, उसके बाद आपको एक NTA डेटाबेस दिखाई देगा, आपका पूरा का पूरा जो डेटाबेस आपने दिया था NTA को, और उस पर आपको कन्फर्मेशन करना है। अब जो आपके पास चॉइस की अवेलेबिलिटी होगी वो क्या क्या होगी। सबसे पहले तो आप नीट 2019 की काउंसलिंग के लिए आप चॉइस अवेलेबल पर चेक करेंगे, क्लिक करेंगे वहाँ पर। फिर आपको जो सिस्टम है वो कुछ आपको कैंडिडेट की डिटेल देगा, जैसे सब कैटेगरी बताएगा, डेट ऑफ बर्थ, एलिजिबिलिटी और वो जो भी चॉइस दिखा रहे हैं ना वो सब आपको फिल करनी है, अपने सीट्स के हिसाब से दिखा देगा वो। चॉइस अवेलेबल विल बी प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड कॉर्नर एंड सबमिटेड चॉइस विल बी विजिबल ऑन द राइट साइड। जो आपके लिए फिजिबल है वो आपको राइट साइड लेफ्ट में दिखाई देगी और जो आपने भर दिया वो राइट में दिखाई देगी। वंस यू आर डन, एंटर योर पासवर्ड एंड क्लिक लॉक चॉइस। उसके बाद लॉक चॉइस कर दीजिएगा आप। लॉक चॉइस करने के बाद आपको सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया देखनी होगी। अब हम आपको बताते हैं जो नीट की काउंसलिंग का शेड्यूल रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के लिए आपको 19 जून से 24 जून का टाइम दिया गया है। उसके बाद चॉइस की फिलिंग के लिए और सीट की लॉकिंग के लिए आपको 25 जून का टाइम दिया गया है। 25 जून को ये आपको करना होगा। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट आपकी 26 को होगी और फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आपका 27 जून का आ जाएगा। रिपोर्टिंग ऑफ कॉलेज जून 28 से जुलाई 3। इस समय के बीच में आपको वहाँ पर जाकर अपना रिपोर्टिंग देनी होगी। जो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा उसको वह सीट आगे नहीं मिलेगी, दूसरी जो काउंसलिंग होगी उसमें वह सीट किसी और को दे दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट जो दूसरे राउंड के लिए होगी वो जुलाई 6 से 8 के बीच में होगी, और जो चॉइस फिलिंग एंड सीट लॉकिंग जुलाई 9 और प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट जुलाई 10। सेकेंड काउंसलिंग का रिजल्ट आपको जुलाई 12 को घोषित कर दिया जाएगा और रिपोर्टिंग ऑफ कॉलेज 13-22 जून तक रहेगा। इसके बीच में आपको वहां पर जा करके अपना रिपोर्टिंग करनी होगी। अगर आपने रिपोर्टिंग इस समय के बीच में नहीं की तो आपको वो सीट अलॉट नहीं की जाएगी। बेशक से फिर वो सीट खाली रह जाए लेकिन आपको वो सीट अलाउड नहीं की जाएगी, यह रिपोर्टिंग टाइम आपको दिया जाता है। अब मॉप अप राउंड फॉर सेंटर और डिमांड यूनिवर्सिटी। अगर आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो अगस्त 13 से 15 का आपको टाइम मिलेगा, और चूज ऑफ फिलिंग सीट और लॉकिंग के लिए आपको अगस्त 16 और प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट अगस्त 16 और थर्ड काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो अगस्त 18 को आएगा, और रिपोर्टिंग ऑफ टू कॉलेज अगस्त 20-26। जो बच्चे सेकंड राउंड में जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया था और सीट खाली रह गई थी उनको थर्ड काउंसलिंग में वो सीट को भरा जाएगा, और जिन बच्चों के थोड़े कम नंबर आए थे जो राउंड टू में सेलेक्ट हो गए थे, जो थोड़े कम थे, उन बच्चों को भी मौका मिलेगा कि वो
वहां पर जा कर के अपना जो है काउंसलिंग के अंदर जा सके और जो रिपोर्ट कर सके कॉलेज के अंदर। आप नीट से जुड़ी कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन और चाहते हैं हमारे चैनल से तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने बहुत सारी वीडियो नीट पर बनाई और आगे भी हम नीट पर वीडियो बनाते रहेंगे।